अंडे और मुर्गे की कीमतों में करीब 1.5 साल बाद गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट की दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह सोया मील के इंपोर्ट के बाद सोयाबीन के दाम में गिरावट आना, जिससे पोल्ट्री फार्मर की लागत में कमी आई है। दूसरी वजह त्योहारी सीजन की वजह से अंडे और चिकन की मांग कम हो गई है, जिससे कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। दरअसल पिछले साल कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान अंडे और मुर्गे की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, उसके बाद अब गिरावट देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन की माने तो इस बार अंडे और मुर्गे की कीमतों में कई वजहों से गिरावट आई है। कीमतों में गिरावट का सबसे बड़ा कारण सोयाबीन का इम्पोर्ट है। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में सोया मील के इम्पोर्ट को मंजूरी दी थी। सोया मील के आयात से पहले भारत में जिस सोयाबीन की कीमत 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गई थी, अब वो गिरकर 6,000 के नीचे आ गई है। वहीं पोल्ट्री फार्म में मुर्गे के दानों में सोयाबीन का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। इसमें सोयाबीन के अलावा मक्के का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मक्का के भाव में पिछले 2 महीनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार में मक्के की कीमतें जो कुछ समय पहले 1400 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 1800 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल पहुँच चुकी हैं। दरअसल खिलाए जाने वाले दाने में 25 से 30% सोया और 50 से 55% मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। अंडे और मुर्गे की कीमत में गिरावट की सबसे बड़ी वजह त्योहारी सीजन भी है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन के चलते अभी फिलहाल अंडे की मांग कम हो गई है। अभी श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध खत्म होने के ठीक बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, लिहाजा त्योहारी सीजन को देखते हुए अंडे और मुर्गे की मांग में कमी आई है, जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर दिखाई दिया है। अंडे और मुर्गे की मांग में आई कमी अगले 2 हफ्तों तक जारी रह सकती है और इसी वजह से आगे आने वाले दिनों में कीमतों में सुस्ती बनी रह सकती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अंडों की कीमतों में 30 पैसे प्रति यूनिट की कमी आई है। थोक बाजार में 4.30 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिक रहा अंडा अब 4 रुपये का बिक रहा है। वहीं सिर्फ 2 महीने पहले थोक बाजार में अंडे की कीमत तकरीबन 6 रुपये तक पहुंच गई थी। थोक बाजार से निकलने के बाद खुदरा बाजार में पहुंचने के बाद एक अंडे की कीमत 7 से 8 रुपये तक हो जाती है। अंडे के बाद अब मुर्गे की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। थोक बाजार में जिन मुर्गों की कीमत 180 से 200 रुपये प्रति किलो थी, अब वो लुढ़क कर 150 से 180 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची है। थोक बाजार से निकलने के बाद खुदरा बाजार में भी मुर्गे की कीमत 20 से 30 रुपये प्रति किलो तक गिरी है। यानी कि सोयाबीन की कीमतों में आ रही गिरावट का असर सीधा अंडे की और मुर्गे की कीमत पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।